हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पूरा मेरा चैनल विजिट करिए, स्पेशली अगर आप टोयोटा व्हीकल्स ओन करते हो। मेरा एक एश्योरिटी है कि जितना भी फीचर्स के रिलेटेड आपको क्वेरी रहेगा, सारी की सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये सब वीडियोस देखने के बाद अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चैनल अच्छा लग रहा है, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने कैप्शन देखा, कैप्शन में हमने जो टॉपिक डाला हुआ है वो एडब्लू रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले। तो आज हम लोग आए मुंबई में, यहाँ पे टोयोटा लखोजी के डीलरशिप पे। जो कैमरे पे बंदे बैठे हुए ये है हबीब, काफ़ी सीनियर है टोयोटा सेल्स में। अब इनसे हम लोग समझेंगे कि बेसिकली क्या क्या क्वेरीज कस्टमर्स को एडब्लू रिलेटेड आती है और एक एक क्वेरी का क्या क्या आंसर है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो ओवर टू यू हबीब सर। सो बेसिकली कैसा होता है, डिलीवरी के टाइम पे हम लोग ओवरऑल डेमो देते हैं गाड़ी का। उस वो टाइम पे बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं एक्साइटेड में भूल जाते हैं कि एडब्लू क्या था और क्या है। जब वो रनिंग करते हैं गाड़ी, जब चलाते हैं, उसके बाद एक पॉपअप मैसेज आता है तो उसमें उनकी क्वेरी निकल के आती है कि ये क्या है, कब आया है, कैसे करते हैं इसे, क्या रिफ़िल का कैसा टाइम होता है। सो बेसिकली आज आपको मैं क्वेश्चन बता दूंगा क्या क्या कस्टमर क्वेश्चन करते हैं। सो नदीम सर, आप उसका क्वेरी हैंडल करने का एक बार आप बता दीजिए क्या क्या है उसमें आपको। ठीक है, सो बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन आता है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये एडब्लू है क्या। ओके, सो गाइस, सबसे पहला ही क्वेश्चन आ गया कि ये एडब्लू है क्या। सो बेसिकली एडब्लू एक कैटलिस्ट लिक्विड है, बेसिकली यूरिया इसको आप बोल सकते हो। ये एग्जॉस्ट सिस्टम में इंजेक्ट किया जाता है और ये एग्जॉस्ट सिस्टम में इंजेक्ट करने के बाद जो एग्जॉस्ट गैस है उसके साथ रिएक्ट करके उसका फॉर्म जो है उसको थोड़ा प्यूरीफाई कर देता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में एमिशन कम होता है। सो एडब्लू इज नथिंग बट अ यूरिया लिक्विड। सो होप आपको क्लियर है कि एडब्लू है क्या। अब ये BS6 जितनी गाड़ियाँ आई है तो इसमें जो 2 लीटर्स एंड अबव साइज के इंजन है, इस सब में एडब्लू आ रहा है। सो होप एडब्लू रिलेटेड क्वेरी आपकी क्लियर हो गई है। तो एडब्लू बेसिकली BS6 नॉर्म्स के साथ गाड़ियों में आने लग गया। यस सर, दूसरा क्वेश्चन, एडब्लू कितना चलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडब्लू चलता कितना है। तो अगर आप ओनर्स मैनुअल फॉलो करेंगे या ओनर्स मैनुअल रीड करेंगे तो ओनर्स मैनुअल में क्लियरली लिखा है कि 1 लीटर एडब्लू चलता है 900 किलोमीटर्स। तो अगर मैं बात करूं, जैसा हम लोग बैठे लेजेंडर में और इनोवा की भी बात करूं, तो इनोवा में 12.5 लीटर का एडब्लू का टैंक कैपेसिटी है। एडब्लू का एक अलग से टैंक आता है और फॉर्चुनर लेजेंडर में और फॉर्चुनर में इसका जो टैंक कैपेसिटी है 10.5 लीटर का है। तो अगर मैं 10.5 के हिसाब से भी कैलकुलेट करूं 900 किलोमीटर्स पर लीटर, तो अप्रॉक्सीमेटली 9000 किलोमीटर्स चलना चाहिए। बट अगर मैं बोलूं कि प्रैक्टिकली इतना चलता नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि एडब्लू चलता कितना है? तो बेसिकली ज़्यादातर हमने जो देखा हुआ है काफ़ी गाड़ियों में कि 7000 किलोमीटर्स चल रहा है, 8000 किलोमीटर्स चल रहा है और काफ़ी गाड़ियों में 2000-3000 पे भी एडब्लू जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये चलता कितना है उसके लिए सबसे बेस्ट, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो MID डिस्प्ले है इस पर एक पॉपअप आ जाता है। तो बेसिकली इसमें 3 पॉपअप आते हैं, जैसा लोग पूछते भी है, ये भी आपका क्वेश्चन होगा कि एडब्लू कितना है टैंक में, मेरे को कैसे पता चलेगा या एडब्लू चलेगा कितना। तो ये केस में आपको कुछ करना नहीं, आपको बस नॉर्मली गाड़ी ड्राइव करना है। आपको यहाँ पे जो MID डिस्प्ले है, इस MID डिस्प्ले पे ध्यान देना है जब उसका मैसेज आता है, एडब्लू का मैसेज पॉपअप होता है। तो बेसिकली एडब्लू का 3 वार्निंग आता है, ये तीनों वार्निंग आप प्लीज अच्छे से सुन लीजिए, काफी यूजफुल है अगर आपको आता है तो, अगर नहीं आता तो ये आपको ट्रबल भी हाईवेज पे दे सकता है। सो बेसिकली सबसे पहला जो वार्निंग एडब्लू का आता है वो बोलता है एडब्लू लेवल लो, रिफिल एट 2400 किलोमीटर्स। तो एक अच्छा खासा किलोमीटर्स आपके चलाने के बाद गाड़ी लाइट आता है कि अब जो एडब्लू बचा है गाड़ी के टैंक में, एडब्लू के टैंक में, उसमें गाड़ी आपका 2400 किलोमीटर्स चलेगा और ये पहला वार्निंग है जो एडब्लू रिलेटेड आता है। ठीक है, अब यानी कि आप 2400 किलोमीटर और गाड़ी चला सकते हो, बट आपको इसमें देखना है कि अब तक का आपने गाड़ी कितना किलोमीटर चलाई है, उस हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका गाड़ी अगर 5000 किलोमीटर चला है और ये पहला वार्निंग आ गया, तो जो चलना चाहिए था अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 6-7 हज़ार किलोमीटर, बट 5000 पे वार्निंग आ गया है, तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करना है कि 2400 दिखा तो रहा है किलोमीटर्स, बट 2400 किलोमीटर्स चलेगा नहीं, 1000-1200 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको एडब्लू रिफिल कर लेना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप 2400 किलोमीटर्स बंद होने तक रुके, मतलब आपको अगर एडब्लू का लाइट आ गया है तो आप पहले लाइट पर भी एडब्लू को रिफिल कर सकते हैं।
ठीक है, ये पहला वार्निंग होप मैंने क्लियरली बता दिया। अब जो दूसरा वार्निंग एडब्लू का आता है वो ये बोलता है कि एडब्लू लेवल लो, रिफिल एट 800 किलोमीटर, यानी कि अब जितना एडब्लू बचा है गाड़ी पे एमआईडी पे डिस्प्ले पे बता रहा है कि अब इतने एडब्लू में गाड़ी 800 किलोमीटर और चलेगा। अब मेरा एकदम पर्सनल रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि जैसे ही 800 किलोमीटर वाला वार्निंग हो गया, अब आप जरा भी रुकिए नहीं, एडब्लू को एज सून एज पॉसिबल आप रिफिल कर दीजिए, क्योंकि जो थर्ड वार्निंग आने वाला है एडब्लू का, जो फाइनल वार्निंग है, फाइनल वार्निंग बोलता है कि एडब्लू लेवल एम्प्टी। हाँ, अब अगर एडब्लू लेवल एम्प्टी का लाइट आ गया है तो आपको गाड़ी बंद करना नहीं है, आपको इमीडिएटली या तो वर्कशॉप में टोयोटा के या तो आपके घर पे गाड़ी ले जाना है। क्यों मैं बता रहा हूँ, अगर आपने बीच में कहीं पे गाड़ी बंद कर दी, एडब्लू एम्प्टी होने के बाद गाड़ी चालू होता नहीं है। तो थर्ड वार्निंग तक हमको रुकना ही नहीं है, और आपका मेरा सजेशन रहेगा कि 800 किलोमीटर्स वाली वार्निंग पे आप प्लीज़ एडब्लू रिफिल कर दीजिए। तो टोटल तीन वार्निंग मैंने बताया, पहला बोलेगा 2400 किलोमीटर्स और चलेगा गाड़ी, दूसरा बोलेगा 800 किलोमीटर्स और चलेगा, और तीसरा बोलेगा कि अब ये एम्प्टी हो गया है, अब गाड़ी चलेगा नहीं। उसमें मैसेज में भी लिख के आता है एडब्लू लेवल एम्प्टी नो स्टार्ट, मतलब अब अगर आपने गाड़ी बंद कर दी है तो गाड़ी अब चालू होगा नहीं। अब काफी लोग पूछेंगे कि अगर गाड़ी बंद हो गया है तो फिर चालू क्यों नहीं होगा, तो बेसिकली ये अगेन गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, अगर एडब्लू एम्प्टी के बाद चालू हो जाएगा गाड़ी तो कोई भी एडब्लू रिफिल करेगा नहीं और एनवायरनमेंट को उसका हार्म होगा, इसके लिए गाड़ी इसमें बंद हो जाता है। तो रिक्वेस्ट है अगेन आपसे कि आपको एडब्लू एज सून एज पॉसिबल रिफिल करना है। अब एडब्ल्यू टेक्निकली देखा जाए तो, जैसा हबीब जी आपको भी ये क्वेरी आई थी अभी हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे कि एडब्लू में गाड़ी में कैरी कर सकता हूँ क्या, ये है आपके क्वेश्चन लिस्ट में? यस, एडब्लू कहाँ पे मिलता है और इसे कैसे रिफिल करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसके रिलेटेड। तो ये भी मैं आंसर कर देता हूँ। तो सबसे पहले एडब्लू तो आप कैन गाड़ी में रख लीजिए, ओनर्स मैनुअल अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि एडब्लू आप कैरी नहीं कर सकते, गाड़ी में नहीं रखिए, क्योंकि ये हाईली कोरोसिव होता है, मतलब कोई कलर वगैरह पे गिर गया तो ये कलर खराब कर देता है। तो मेरा सजेशन अगेन है एडब्लू आप रखिए गाड़ी में, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि कहीं पर रात में गाड़ी बंद हो जाएगी, एडब्लू मिलेगा नहीं तो इशू आ जाएगा। तो गाड़ी में एडब्लू रखिए, बट रखने के टाइम एक कॉशन है कि एडब्लू जब आप रख रहे तो जो उसका सील है उसको अच्छे से सेलो टेप से आप कवर करके रखिए, सो दैट अगर कैन गिर वगैरह भी गया गाड़ी चालू में तो एडब्लू स्पिल ओवर होना नहीं चाहिए। अब जो ऐसा क्वेरी आ रहा है कि एडब्लू मिलता किधर है, तो ये ऑथराइज्ड टोयोटा शोरूम में मिल जाता है आपको एडब्लू। अगर आप कहीं पे फंसे हुए, रात को अंधेरा है, आपको नहीं मिल रहा है एडब्ल्यू या टोयोटा का शोरूम नहीं मिल रहा है, तो आप कोई भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए जहाँ पे डीजल मिलता है, ट्रक्स वगैरह जहाँ पे ज़्यादा आते हैं, ऐसे पंप में जहाँ पे ट्रक्स आते हैं वहाँ पे आपको एडब्ल्यू मिल जाएगा। क्योंकि फोर व्हीलर्स मतलब पैसेंजर कार्स में एडब्ल्यू एक नया टेक्नोलॉजी है, बट ट्रक्स वगैरह में, बसेस में, लग्जरी बसेस में काफ़ी टाइम से एडब्ल्यू आ रहा है, तो आपको उस पंप पे एडब्ल्यू मिल जाएगा। अब एक सजेशन है कि जो ग्रेड आपके एडब्ल्यू के बॉक्स में टोयोटा गाड़ी लिखा है वही ग्रेड का एडब्लू आप यूज कर लीजिए, सो दैट आपको कहीं पे फंसना नहीं पड़े और आप एडब्लू रिफिल करके आगे ट्रेवल कर सकते हैं। अब जो इनका लास्ट सवाल था कि एडब्लू रिफिल करना कैसे, तो जैसा आप बोनट ओपन करते हैं आपको एक ब्लू कलर का कैप दिखेगा, वो ब्लू कलर का कैप देख के एडब्लू के कैन के साथ आपको एक फनल फ्री मिलता है, वो फनल लगाने के बाद आप एडब्लू को रिफिल उसके अंदर कर सकते हैं। इसका एक डिटेल में वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगेन एक सजेशन, एडब्लू रिफिल करने के टाइम आप प्लीज एक कपड़ा कैरी करिए, अगर कहीं पे एडब्लू गिर जाता है कलर वगैरह पे उसको इमीडिएटली वाइप आउट कर लीजिए। एडब्लू पूरा अगर नहीं गया, कैन में थोड़ा बहुत एडब्लू बच गया, तो अगेन उस कैन को अच्छे से सील करके पैक करके रखिए। सो होप हबीब जी मैंने आपकी मैक्सिमम क्वेरीज का आंसर दे दिया है, इसके अलावा और कुछ आपको क्वेरी है? बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं ये खत्म हो गया तो उसके बाद क्या होगा, तो मैंने बताया ना जैसे खत्म हो गया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, यस, तो उसका मैंने प्रिकॉशंस बता दिया। इसके अलावा और कुछ? मैक्सिमम आपने क्वेरी सॉल्व कर दी है, और भी कुछ रहेगा तो अगर कोई कमेंट करना चाहे तो आपसे पूछ। थैंक यू सो मच। तो जैसा इन्होंने भी बोला तो ये भी एक्टिव रहेंगे वीडियो पे, अगर कुछ भी कमेंट आ रहा है डेफिनेटली हम दोनों मिलके उसका आंसर कर देंगे। थैंक यू सो मच।